इजराइल सेना की 162वीं डिवीजन के कमांडर का बहुत बड़ा दावा सामने आया। जनरल इत्ज़ेक कोहेन ने दावा किया कि उनकी डिवीजन यानी करीब 10,000 सैनिक गाजा शहर के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। यहां से वो अपने दुश्मनों का काम तमाम कर रहे हैं। खासकर हमास के सुरंगों के जाल को तोड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। हमास ने एक सुरंग से निकलकर ऐसा हमला बोला जिसके बाद पूरा इजराइल हैरान रह गया। सुरंग का दरवाजा खुला, हमास का लड़ाका बाहर निकला। वो एंटी टैंक रॉकेट बाहर आया। झाड़ियों में छिपते छिपाते दबे पांव आगे बढ़ा। उसके पीछे एक और आ गया, बगल से तीसरा भी आगे बढ़ चला। तीनों अपने हाथों में एंटी टैंक रॉकेट लेकर आगे बढ़ते गए। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद निशाना साधता है और फिर एंटी टैंक रॉकेट सीधे टारगेट पर जाकर लगता है। हमले के बाद इसराइल के टावर में आग लग जाती है। हमले के फौरन बाद हमास के तीनों लड़ाके भाग कर सुरंग के अंदर समा जाते हैं और बॉर्डर के इस पार इसराइल के कैंप में हलचल बढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही हमास के लिए सुरंगें सबसे बड़ी और ताकतवर हथियार बनी हुई हैं, तो वहीं इसराइल की सेना के लिए हमास की सुरंगें सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई हैं। यही वजह है कि इसराइल की सेना हमास की इन सुरंगों को ध्वस्त करने में लगी है। रात के अंधेरे में इसराइल की सेना हमास के अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। इसराइल ने दावा किया है कि उसकी सेना ने गाजा के सुरंग नेटवर्क पर बहुत ही भीषण हवाई हमला किया है। इस हमले में हमास की सुरंगों को तो नुकसान पहुंचा ही, हमास के दर्जनों लड़ाकों को भी मार गिराया गया। इसराइल के हमले में हमास का एंटी टैंक मिसाइल ठिकाना तबाह। इसराइल की एयर स्ट्राइक में हमास के रॉकेट लॉन्च पोस्ट नेस्त नाबूद। इसराइल ने हवाई हमला कर हमास के मिलिट्री कंपाउंड को उड़ा दिया। गाजा पर बम बरसाकर इसराइल ने हमास की कई खुफिया सुरंगों को तोड़ डाला। इसराइल की सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमास का सैकड़ों किलोमीटर लंबा सुरंग नेटवर्क बना हुआ है, क्योंकि इन्हीं सुरंगों से बाहर निकलकर हमास के लड़ाके हमला बोल रहे हैं, इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर सुरंगों में समा जा रहे हैं। हमास की सुरंगों से जुड़े इस दूसरे वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दिख रहा है कि हमास के लड़ाके सुरंग खोदने में लगे हैं। सवाल है, क्या हमास सुरंगों का और विस्तार कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो में एक तरफ जमीन के अंदर सुरंगों की खुदाई चल रही है तो वहीं दूसरी ओर धरती के ऊपर सुरंग से बाहर निकलने के रास्ते को खोला जा रहा है। दावा तो यहां तक है कि गाजा की सुरंगों का आखिरी छोर इसराइल में भी खुलता है।
जिस पर हमास ने रहस्य का पर्दा डाल रखा है। अब आपको ग्राफिक्स की मदद से इसे दिखाते और समझाते हैं। देखिए, आप ग्राफिक्स में यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ गाजा पट्टी का इलाका है तो दूसरी ओर जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो इजराइल का हिस्सा है। दो अलग अलग इलाके यहाँ पर आपको दिख जाएंगे और यहाँ इन दोनों ही इलाकों में सेना ने अपने अपने वॉच टावर लगा रखे हैं। यहाँ गाजा पट्टी में आप देखिए, यहाँ पर वॉच टावर लगा है तो दूसरी तरफ इजराइल में भी यहाँ वॉच टावर लगा है। सीमा के दोनों तरफ यानी गाजा की तरफ भी और इजराइल की तरफ भी दोनों ही तरफ यहाँ बाढ़ जो है वो मौजूद है, जो दोनों को अलग करते हैं। और गाजा और इजराइल के बीच में करीब 100 मीटर चौड़ा ये जो आप यहां पर इलाका देख रहे हैं, ये 100 मीटर चौड़ा जो है वो बफर जोन है, यानी यहां किसी भी तरफ की सेना का आना जाना सख्त मना है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात क्या है वो हम आपको बताते हैं। इजराइल की तरफ से बनी ये जो आप देख रहे हैं ये दीवार, यहां पर ये कंक्रीट की जो दीवार है वो बनाई गई है और ये बहुत खास है क्योंकि ये जितनी ऊंची आपको नजर आएगी, दरअसल ये जितनी ऊंची है उतनी ही ज्यादा गहरी भी है, यानी जमीन के नीचे उससे कई ज्यादा गुना गहरी है। और गाजा में हमास ने करीब 200 फीट यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये इस कंक्रीट की दीवार के नीचे से यानी गहराई में सुरंगें खोद रखी हैं। और विदेशी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हमास ने इस कंक्रीट की दीवार के नीचे भी सुरंगें खोद रखी हैं। जो हिस्सा आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, कंक्रीट की दीवार के नीचे से ये सुरंग गुजरता है और अगर ऐसा हुआ तो वो इजराइल के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि वो जमीन के अंदर ही अंदर इजराइल में दाखिल होकर बहुत बड़ा हमला बोल सकते हैं। हाल ही में जिस सुरंग से हमास के लड़ाकों के बाहर निकलने का वीडियो सामने आया है उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये एरीज क्रॉसिंग के पास मौजूद सुरंग का है। गाजा की इस सैटेलाइट तस्वीर को बहुत गौर से देखिए, इसमें गाजा और इजराइल के बीच मौजूद हर एक क्रॉसिंग की लोकेशन है। गाजा के उत्तरी सीमा पर मौजूद इस क्रॉसिंग की लोकेशन पर गौर करिए। इसी क्रॉसिंग का नाम एरीज क्रॉसिंग है जो फिलहाल बंद है, लेकिन इसके नीचे धरती के अंदर मौजूद हमास की सुरंग फुल एक्टिव है और ये है इजराइल गाजा बाड़। इस बॉर्डर के दोनों तरफ 100 से 400 मीटर तक बफर जोन है, यहाँ आना जाना प्रतिबंधित है। इस बफर जोन से लगे कई क्रॉसिंग मौजूद है जिसमें से दूसरा अहम क्रॉसिंग है नाहा ओज क्रॉसिंग जो 2010 में स्थायी रूप से बंद है। इस तीसरी क्रॉसिंग को सूफा क्रॉसिंग कहा जाता है, ये 2008 में स्थायी रूप से बंद है। गाजा का चौथा अहम क्रॉसिंग का नाम है रफाह क्रॉसिंग जो गाजा को मिस्र से जोड़ता है।